100% साथ में रहेंगे। इनमें से अगर कोई ईवीएम की लड़ाई में साथ नहीं देगा तो हम इनका साथ नहीं देंगे। दोनों साल सर्विस करके आए तो इन सारे साथियों को पीएफ मिलना चाहिए था। आप सारे लोग अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51 तक पढ़ो, आप समान काम का समान वेतन। देखिए, केवल हम इनकी सपोर्ट करने नहीं आए, हम इन्हें इनका हक दिलाने के लिए आए। और आज से जो लड़ाई, अब तक इन्होंने जो लड़ी अपने स्तर से, अपने ढंग से लड़ी है, लेकिन इस पल के बाद लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारे तरीके से ये सारे साथी लड़ाई लड़ेंगे, जैसा इन सबने आश्वासन दिया है। और इनकी लड़ाई बड़ी जेन्युइन लड़ाई है। ये सबको समझने की जरूरत है कि सरकारें लगातार जो कमजोर हैं, जो मजदूर हैं, उन पर अत्याचार कर रही है। ये मार्शल हैं, इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है, 10,792, जिसमें सिविल डिफेंस के भी कुछ साथी हैं। और 1968 का कोई कानून है जिसका हवाला देके पहले इनको रखा गया और अब निकाल दिया गया बेवजह। इनमें से लोग 9 साल से लेकर 20-20 साल से सर्विस कर रहे हैं। आप किसी को अचानक निकाल देते हो, ये कौन सा तरीका? जो सरकार का काम है कि लोगों को अधिक से अधिक नौकरी दें। और दिल्ली सरकार में जब केजरीवाल जी चुनाव में थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो जितने कच्चे हैं उन सबको हम पक्का करेंगे। और ये तो पक्के होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं। भाई, पक्के होने की शर्तें हैं कि आपने इनको रखा, सरकारी माध्यम से रखा ना, इनका अपॉइंटमेंट हुआ, जो योग्यता आपको चाहिए थी उस पद के लिए जिसमें इनको रखा गया, उस पद के योग्य थे ये लोग, इनको सरकार के खजाने से सैलरी दी गई। ये जो सारे के सारे साथी हैं, 240 दिन किसी को पक्के होने के लिए होते हैं, वो शर्तें ये पूरी करते हैं। और इनका जो क्षेत्र है वो आवश्यक सेवा का क्षेत्र है। इसके साथ साथ मार्शल, विशेषकर मार्शल की जो बात है, केजरीवाल सरकार ने अपने जो मैनिफेस्टो में, पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीसीसी में मार्शल की भर्ती करेंगे। इसीलिए तो इनको रखा गया और इसीलिए मार्शल इनको कहा जा रहा है। ये उसके साथ साथ भी अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया, बड़ी ईमानदारी, बड़ी निष्ठा से काम किया सर। कहने को 8 घंटे, पर इन्होंने तो 12-12, 14-14 घंटे तक भी इनसे काम लिया गया। कोरोना काल में जब अपने ही परिवार का व्यक्ति, अपने ही परिवार के व्यक्ति पर हाथ नहीं लगा रहा था, इन्होंने उस समय भी सेवा करी। और आप एकदम आप निकाल दे रहे हैं आप। तो ये जो अन्याय इनके साथ में हुआ है, अब इस अन्याय को हम में से कोई बर्दाश्त करेगा? और आज से इनकी लड़ाई कानूनी स्तर पर और जिस भी तरीके से लड़नी है, वो हम लोग इनके साथ आगे रह के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे सर। एक पेपर, और इनको इनका हक दिलाकर ही ये सारी चीजें खत्म होंगी। सर, आज एक पेपर वाली बात भी जो है वो यहाँ पर सामने आई है, जो इनसे वो फॉर्म इनसे भरवा नहीं, वो एक्चुअल में जो पैसे जो लिए गए हैं उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, जो पैसे लिए गए हैं वो लीगल एड का फॉर्म, लेकिन वो लीगल एड में कहीं पैसे की जरूरत नहीं होती। उनको, महिलाओं को, सभी, कोई भी, किसी भी समाज से हो, SC ST OBC माइनॉरिटी और चाहे जनरल के हो, लीगल एड में कोई पैसा नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो। लेकिन इनकी गलती नहीं है, इनको कानून की पता नहीं। इनको जो कुछ लोग हैं जो गुमराह करते हैं, अभी मेरी जानकारी में जो आया है, वो जिस तरह की इनको बात की गई है वो ना तो वकालत है और ना ही कानून में उसकी जरूरत है। पर ये जो 180 रुपए लिए गए हैं, ये वाकई में जैसे एफिडेविट भरवाएगा था। तो हर पिटीशन के साथ में जितने भी लोग उस मुकदमे के पार्टी होंगे, उन सबके एफिडेविट बनते हैं। और एफिडेविट एक नहीं होता, बहुत पिटीशन, आप दो तो मान ही लीजिए कि एक तो पिटीशन होता है उसके साथ में, एक उसके साथ में एप्लीकेशन तो होती है अर्जेंट की, तो दो एफिडेविट बनते ही बनते हैं। एफिडेविट की ड्राफ्टिंग, साथ में उस पर जो लगता है टिकट लगता है, और जो ओथ कमिश्नर उसको अटेस्ट करता है उसकी फीस होती है। इसकी वजह से ये पैसे जो है इन्होंने लिए गए हैं। सो 180 रुपए जो लिए गए हैं वो उस बात के हैं जो इन्होंने अभी मुझे साथियों ने बताया है, लेकिन वो लीगल एड का जो फॉर्म है वो सही नहीं है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि वो फॉर्म अपना वापस लीजिए, जिन भी साथियों ने दिया है, हमारे महमूद भाई कह के गए, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। सर, महीनों से ऐलान किया है कि आप इन लोगों की लड़ाई में शामिल हुए,
लोग भी अब ईवीएम की लड़ाई में भी साथ रहेंगे? 100% साथ में रहेंगे, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि इनमें से अगर कोई ईवीएम की लड़ाई में साथ नहीं देगा तो हम इनका साथ नहीं देंगे। ईवीएम की लड़ाई बदला चल रहा है? नहीं नहीं, बदला नहीं है। ईवीएम की लड़ाई व्यक्तिगत मेरी नहीं है, मैंने अपने लिए नहीं कहा कि आप मेरा साथ दो, मेरी लड़ाई में साथ दो। ईवीएम की लड़ाई इनकी भी लड़ाई है, वोट इनका भी लूटा जाता है, वोट इनका भी चोरी किया जाता है, इनके वोट पर भी डाका है। तो इनकी वोट ये जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को देना चाहते हैं उसी को जाए, और वोट देते समय इन्हें मालूम हो कि ये किसको वोट दे रहे हैं, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है, ईवीएम से नहीं हो सकता। यही बात हमने इनको समझाई है। तो वो लड़ाई ईवीएम की केवल मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है, और इन्होंने वादा किया है कि इस ईवीएम की लड़ाई में साथ देंगे। अगर ये अपनी लड़ाई में साथ नहीं देते हैं और केवल अपनी नौकरी की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ ये किसी हालत में सही नहीं, और मुझे पक्का भरोसा है ये लोग इतने समझदार तो हैं ही कि अपनी लड़ाई जो वेतन की है, नौकरी की है, उसे भी लड़ेंगे, और ईवीएम की लड़ाई जो पूरे देश की हर किसी की लड़ाई है उसे भी पूरी ईमानदारी के साथ में लड़ेंगे और हमारा साथ उसमें देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। सर, उन्होंने ये लड़ाई महीनों पहले शुरू की थी और आपने कहा है कि चंद दिनों में उन्हें न्याय मिलेगा, किस तरह से? देखिए, इनकी लड़ाई जहाँ तक हमारी जानकारी तकरीबन 3.5 महीने इनको लड़ते हो गए जी। होता क्या है कि आप जिनसे लड़ रहे हैं वो कौन है? वो सरकार, और सरकार एक कानूनी तरीके से बनी होती है, जो काम वो सारे करेगी वो भी कानूनी तरीके से होंगे। मजदूर अधिकतर क्या होता है कि उसको कानून की बहुत जो पेचीदगियां होती है उसकी जानकारी नहीं होती है। जैसे है इन साथियों को नहीं मालूम कि ये 9-9 साल सर्विस करके आए तो इन सारे साथियों को पीएफ मिलना चाहिए था, प्रोविडेंट फंड जो होता है इनका, इनको नहीं पता, नहीं मिला। इनको ये नहीं पता, इसीलिए मैंने संविधान की बात कही थी कि आप सारे लोग अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51 तक पढ़ो आप, क्योंकि जिस दिन ये पढ़ेंगे तो मैं नहीं कहूंगा, ये कहने लगेंगे समान काम का समान वेतन। ये जो काम कर रहे हैं ऐसा ही काम अगर कोई और कर रहा है सरकार में, और स्वाभाविक के मार्शल हैं तो जस्ट लाइक फोर्स का काम कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं, तो पुलिस के एक साथी को जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह के ये हकदार, पुलिस के एक साथी को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके ये हकदार। यानी जो काम सरकारी में परमानेंट लोग कर रहे हैं, नियमित वाले कर रहे हैं, ये उन सबके हकदार हैं। पर इन साथियों को बहुत सी चीजें नहीं पता, एक बात। दूसरी बात, लड़ाई कहां लड़ी जानी चाहिए, किस तरह से लड़ी जानी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर लड़ी जानी चाहिए, कैसे लड़ी जानी चाहिए, वो बहुत सी चीजें हैं जिसकी जानकारी नहीं सर। ये होती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, होती भी नहीं है। तो हम वो सारी चीजें, हमारी पूरी टीम इसको जानती है, इसलिए इन सारे साथियों को इनका हक मिले, ये और इनका परिवार अच्छी तरह से जीवन जिए, खुशहाल हों, इनके बच्चे आगे बढ़ें, इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए भी जो है। तो हम इसलिए इनकी लड़ाई पूरी ताकत से, पूरी मजबूती के साथ में लड़ेंगे, और हमें विश्वास है इनको इनका हक मिलेगा।